नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम शाहखंड प्रखंड के भुलनी पंचायत में, और हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार पंडित जी, जो कि यहाँ के मुखिया के पति हैं। पंचायत में विकास का काम क्या अभी तक हुआ है 15 से 16 महीनों में, हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे यहाँ पंचायत में विकास को लेकर के सबसे पहला काम आप क्या किए थे? सबसे पहला काम हम किए थे सर, हम रोड बनवाए थे, नाला बनवाए थे और गली नली का काम करवाए थे सर। क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो जनता की समस्याएं क्या निकल करके आती है? समस्या निकल सर, यहाँ कभी कभी नल जल खराब हो जाते हैं, उस समय भी हम सहयोग करते हैं सर। प्रत्येक वार्ड जाके हम सर्वेक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो भी कमी होता है हम सब अपना तरह से सहयोग करते हैं। नली गली की समस्या भी है क्या आपके पंचायत में? बहुत समस्या है भी, और बाकी बात बहुत हो गया अभी सर। नल जल की कोई समस्या? नल जल अभी आपके यहाँ टोटल कितने जल मीनार लगे हुए हैं? 16 लगे हुए हैं सर। काम कर रहा है सब? सब काम कर रहा है। पानी दे रहा है? पानी दे रहा है सब सही से? सब पानी सही से दे रहा है। मनरेगा से काम हुआ? जी, मनरेगा से। क्या करवाए हैं? मनरेगा से पोखर का खुदाई हुआ है सर, और रोड भी बना है और नाला भी बना है, और सब काम हो रहा है सर। राशन वितरण को लेकर के डीलर सही से राशन देते हैं जनता को? जो आपके क्षेत्र के जितने भी लाभार्थी हैं उसको सही से लाभुक को राशन दे पाते हैं डीलर? जी, देता है राशन, सभी को मिल जाता है सर। वजन सही अनुसार देते हैं? आपके यहाँ कोई शिकायत आया है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है सर। शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसी है? शिक्षा के बारे में सर, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा सर। शिक्षा यहाँ बहुत कमज़ोर है सर। क्यों, शिक्षक नहीं आते हैं क्या विद्यालय? शिक्षक आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई ध्यान नहीं देते हैं शिक्षक। क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही अपील करना चाहते हैं कि मेरा सर, जो अभी सरकारी स्कूल है सर, शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, उस समय आप लोग कृपा सर थोड़ा सा उसमें ध्यान दिलवाइए सर। मतलब शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं विद्यालय में, जिससे कहीं ना कहीं पठन पाठन में बच्चों की समस्या? हाँ, दिक्कत है सर। लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 3 सालों में क्या लग रहा है विकास का काम आपके पंचायत में जो शेष बचा है वो पूरा हो पाएगा? हो जाएगा सर, खाली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा सर। चलिए, ये थे भुलनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार पंडित जी, जिन्होंने अपने पंचायत को विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। और खासकर इन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है, क्योंकि शिक्षक की लापरवाही से कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हो रही है। कैमरा पर्सन रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।